दे दीजिए ना। आज हमारी इस क्लासेस में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में इवेंट माइक्रो को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का। तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या हम बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इवेंट को करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सी हमने आप लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पे नेम डला है, इसके सामने मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ, मान लीजिए यहां डालना चाहता हूं डेट, मान लीजिए डेट, और यहां पे यूजर। तो ये चीज लास्ट क्लास में आपको समझाया था जैसे करना था। हालांकि यहाँ इन्होंने एक दिया है तरीका, वो भी हम देख लेते हैं। इन्होंने यूज किया है पैरेंट्स ऑफ चेंज एप्लीकेशन डॉट इवेंट विजुअल फॉल्स इफ टारगेट यस सर, इंटरसेक्ट इफ टारगेट, यहाँ टारगेट जो दिया हो गया है, टारगेट इज रेंज C2 से E2। इन्होंने भी अच्छा काम किया है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक 10 टारगेट सेल लॉक्ड। ये टारगेट सेल लॉक्ड क्यों किया मैंने आपने? ताकि वो सेल लॉक हो जाए। वो फॉन्ट में जाके रहते हैं ना, सेल लॉक होने का, अनलॉक होने का, बट यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। बार बार दिखा रहा है कि लॉक आपका इससे मैच नहीं कर रहा है, जी हो हाँ, नहीं रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। तो C2 में हम आते हैं, यहाँ पे हमने किया सिलेक्शन डॉट चेंज, नहीं चेंज पे। और चेंज पे करने से सिलेक्शन चेंज भी करना है, इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल भी चाहिए कि भाई कहाँ पे टाइप करना है क्या। तो यहाँ पे हमने दिया, वो जो आपने टारगेट वाला दिया ना, वो एक एरिया के लिए होता है, एक फिक्स एरिया के लिए होता है, बट हमारा अच्छा एरिया फिक्स नहीं है। अच्छा क्या कॉलम ABC में कहीं भी टाइप हो सकता है। तो यहां पे हमने लिया डिम आर एज ए रेंज, और यहां पे कर दिया सेट आर इक्वल टू एक्टिव सेट। और फिर यहां पे हमने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, हमने हम यहां पे करेंगे एप्लीकेशन डॉट अनेबल इवेंट था ना सर, हाँ, इनेबल इवेंट वर्क्स विद फॉल्स एक्चुअली। इक्वल टू फॉक्स। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप, बाकी चीज तो लगा लेंगे, टाइप करना था नेम, यहाँ टाइप हुआ, इस सेल में जाना है और इस सेल में जाना है। तो यहाँ पे हमें करना है आर डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, फिर आर डॉट ऑफसेट। यूजर नेम के लिए क्या किया था मैम आपने? मैंने मैसेज बॉक्स डाला था कि जब भी यूजर नेम के वहां कुछ टाइप करेंगे तो पहले, नहीं सॉरी, जब A1 पे कुछ टाइप करेंगे तो एक एक फॉर्मूला होता मैसेज है, बॉक्स नहीं आएगा। ऐसा यूजर नेम, मान लीजिए कि मैं अपना नाम डाल रहा हूं, यूजर नेम की जगह पे मैं आपका नाम डाल दूं, तो इतनी हो सकता है ना सर। हाँ एक होता है एनवायर ऑन करके फॉर्मूला होता है, NYROAN आई थिंक ये फॉर्मूला होता है, कोई पहली बार इसकी स्पेलिंग सही लिखा, मैं डॉलर लगा देता हूँ। और इसमें हम कर देते हैं यूजर राइट, और फिर यहाँ इवेंट को हम फॉल्स कर देते हैं। यूजर नेम एक साथ होगा, ये ऐसी चीज बहुत कम यूज होती है ना, तो थोड़ी सी दिमाग से बाहर चली जाती है। करके देखते हैं, हाँ ये तो हुआ लेकिन यूजर नेम नहीं दिया इसने, यहाँ पे लग रहा है एक साथ होगा। तो मेरा जो यूजर नेम है वो आ गया, मैं यूजर नेम डेल है ना डेल, यस सर, इसलिए आ गया जो यूजर। सर आपका फोल्डर का जो नाम था वो आ गया। तो ये फोल्डर नेम ही तो हमारा प्रॉपर ये नेम है, क्या बोलते हैं यूजर नेम है। जैसे कि आप मेरे माई डॉक्यूमेंट पे फोल्डर देख लीजिए ना, आपको पता, यूजर नेम पता करने का सिंपल सा तरीका है,
आप अपने माय डॉक्यूमेंट पे जाइए। राइट क्लिक करके देखिए आपका यूजर नेम दिख जाएगा। यूजर नेम ये होता है जब पीसी को रन करते समय, जब पीसी हमारा रन होता है तो रन करते समय वो क्रिएट होता है, समझे? ये होता है। तो ये हमारा वर्क कर गया। अब बात होती है कि जितना वर्क किया है उसको वापस लॉक करना है। तो सबसे पहले हम पूरे सीट को अनलॉक करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो लॉक्ड होता ही है ना, तो पहले तो इसको हमें अनलॉक कर देना है ना। उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, करेंगे रेंज आर, नहीं माफ कीजिएगा, सॉरी रेंज ए वन होगा हमारा, ए वन द स्टार्टिंग पोजीशंस और कॉमा, ये हमारा हो जाएगा रेंज 65,000 डॉट एन एक्सएलएस अप डॉट लॉक होता है, डॉट लॉक्ड लॉक्ड इक्वल टू ट्रू। अच्छा वो ट्रू होता है तो हमें लॉक उतना ही करना है जितना हम टाइप कर चुके हैं, समझे? सर जो मैंने फंक्शन लिखा था उधर, वहां अगर मैं लॉक इक्वल्स टू ट्रू करती तो वो रन होता कि तब भी वो नहीं होता? तो आपने टारगेट ले लिया हुआ ना, पूरा का पूरा एक रेंज सी टू से सी थ्री ले लिया हुआ, वो लॉक हो जाता। अच्छा उसके बाद कोई टाइपिंग होती तो लॉक नहीं होता। सीट वन सीट टू डॉट प्रोटेक्ट पासवर्ड में 123 हमने डाल दिया और यहाँ पे हम सीट टू डॉट अनप्रोटेक्ट ठीक है। एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिख दिया ओम एंटर आ गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ, नहीं होगा। नीचे मैं लिखना चाहूँ कि ना टाइप हो रहा है, इस कोड को समझिए। सुहास जी आपने ऐसा ही बनाया था क्योंकि मैंने आपका मैसेज ये नहीं देखा है। नहीं सर, मैंने जो आपने रेंज लिया है ना सर, रेंज ए वन रेंज जो आपने लिखा है ना वो तो मैंने ऐसे दिया था लॉक ट्रू, बट जो टारगेट लॉक्ड जो है ना वो जो पहले आपने दिखाया था मैंने वैसे ही बनाया था। उसके बाद अनलॉक कैसे करने का वो नहीं पता चला मुझे, वैसे ही आ रहा था। उससे पहले वाला चीज तो मैं आपको बता ही दिया था, तो उसमें क्या था, तो मैं लास्ट क्लास में ये टाइप करने के लिए तो मैंने बता ही दिया था टाइप कैसे होगा। मेन चीज तो ये थी ना जो हमने ये बताया आपको। हाँ हाँ क्या ये चीज करना था ना आपको? यस सर। और सर दोबारा ये लॉक मतलब खोलना होगा तो लॉक इक्वल्स टू फॉल्स करने से ही हो जाएगा? नहीं, लॉक इक्वल टू फॉल्स सर, लॉक इक्वल टू फॉल्स वो कैसे करने का? जैसे आपको दोबारा से चेंजिंग करने हैं तो सीट को अनचेक कर दीजिए ना। अच्छा नहीं देखा सीट हमने okay. सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया कि जितना एरिया में हमें टाइप करना है उतने उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और लॉक्ड को हटा दिया ताकि टाइप हो सके। और फिर हमने इसको कमांड दिया कि भाई जितना हम लिख चुके हो उसका लॉक्ड को ट्रू कर दो और फाइल को पासवर्ड डाल दो। करेक्ट। तो हम लॉक्ड उतना ही कर रहे हैं जितना हम टाइप कर रहे हैं। जब भी चेंज होती है तो ये अपना ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, ठीक है?
तो इसका यूज हाँ सर कर सकते हैं। तो ये हुआ कि सर, इसको आप कोई इवेंट दे सकते हैं अनलॉक के लिए? नहीं, ऑनलाइन के लिए क्या इवेंट देना चाहते हैं आप? राइट ओके क्लिक करना चाहते हैं आप, ये दे सकते हैं बिफोर राइट क्लिक या बिफोर डबल क्लिक। बिफोर डबल क्लिक कर दीजिए। बिफोर डबल क्लिक में आप यहाँ कीजिए शीट टू डॉट अनप्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट करेक्ट। अनप्रोटेक्ट और इसमें दे दीजिए इनपुट बॉक्स एंटर पासवर्ड। यस सर। जैसे यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दिया और मैं चांद काम कर रहा हूँ, पा रहा हूँ करेक्ट सर। फिर जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके एंटर मारूंगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ ओम, वापस ये लॉक हो जाएगा। क्लिक करना होगा आपको करेक्ट सर। डाउट इसमें? नहीं सर। अब मैं एक काम और करना चाहता हूं। आप यहां पे ये तो आपने देखा, इस तरह से और भी जो है उनको एक बार देख लीजिएगा, बिफोर डायरेक्टली बिफोर डिलीट दिख रहा है आपको, ये सारे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये सारे इवेंट ही है, बस सिलेक्ट करके कोड करना है, ठीक है। इसमें एक आता है दिस वर्कबुक, ये तो पर्टिकुलर फाइल का था। दिस वर्कबुक क्या होता है कि पूरी वर्कबुक पे इफेक्ट कर दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया वर्कबुक, वर्कबुक ओपन, वर्कबुक ओपन। तो ओपन में हमने बोला कि मेरा सीट वन हमेशा एक्टिवेट है। सीट वन होता है डैशबोर्ड वगैरह आपको एक्टिवेट करना चाहते हैं आप, जब भी फाइल खुले तो मैं फाइल सेव करते समय कोई भी सीट सिलेक्ट करके रखूँ, बट ओपन होते समय वो एक्टिव वर्कबुक ही होना चाहिए। नहीं सॉरी, हाँ सीट वन ही होना चाहिए, सीट टू होना चाहिए, वो दे सकते हैं आप, या फिर मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एम एस जी बॉक्स में कि प्लीज एंटर, प्लीज वेलकम कर दीजिए यहाँ पे वेलकम, या कुछ ऐसा मैसेज दे दीजिए। इस तरह के मैसेज दे सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे ये सारे इवेंट है, जैसे कि न्यू शीट, जब भी आप न्यू शीट लगाए तो आपसे नेम पूछे कि यहाँ पे शी, यहाँ एक्टिव एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, आप यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगा दीजिए कि इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हमने जैसे ही कोई शीट इंसर्ट होगी वो उसका नाम पूछेगा, जैसे नाम पूछेगा, मैं यहाँ पे नाम डाल दिया और जैसे ओके किया तो सेम सीट का नाम वही हो गया। तो ऐसी इवेंट ओके दे सकते हैं सर। ये हम जो प्रोग्राम लिखते हैं ना इवेंट में, जैसे आपने लिखा एक्टिव शीट डॉट नेम, या फिर आपने लिखा एक्टिव मैसेज बॉक्स वेलकम, तो ये इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हर एक इवेंट के लिए, या हम कस्टमाइज कर सकते हैं? अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इवेंट भी करना क्या चाहते हैं, कोड तो ये कि माइक्रो माइक्रो की कोड डलेगी, लेकिन उस कोड को कब रन कराना है इवेंट पे डिपेंड करता है। ओके, वी आर गिविंग कंडीशन। हाँ, रन करने की कंडीशन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बट मुझे इसमें आप लोगों को एक काम देना है अभी, वो काम बिल्कुल अभी जो हमने किया इसी से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे सीट में 15 फाइलें हैं, सॉरी मेरे एक फाइल में 15 शीट हैं, राइट। जब से सबसे पहले फाइल ओपन करे, ओपन करते ही वो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेगा। इनपुट बॉक्स में ले लीजिएगा, हम इससे यूजर फॉर्म से बनाना बाद में बताएंगे। इनपुट बॉक्स के जरिए आप यूजर नेम ले लीजिए, फिर दोबारा पासवर्ड ले लीजिए। जो यूजर नेम और जो पासवर्ड डालेगा उसको एक एडमिन सीट होगा सबसे लास्ट में, उससे मैच करेगा और वही सीट एक्टिवेट करेगा, बाकी सारे सीट को हाइड कर देगा। तो इसमें दो सीट होगा, एक होगा वेलकम सीट जो कि सबके लिए एक्सेबल है, और जैसे ही वेलकम सीट ओपन होते हैं सबसे पहले वेलकम सीट होगा, बाकी सारे सीट हाइड होंगे। और जैसे वो नाम सीट का नाम पासवर्ड हटा दीजिए, सॉरी पासवर्ड हटा दीजिए, जैसे वो सीट का नाम डालेगा वो उसी सीट पे, वही सी सीट पे जाएगा और उसके अलावा बाकी सारे सीट हाइड हो जाएंगे। पासवर्ड हटा दीजिए,
जस्ट आपको क्या करना है कि आपके पास 15 लोगों का नाम है, आप चाहते हैं कि हर बंदा अपने सीट नहीं कि फाइल के सीट पे काम करे, अपने उस सीट में अपने उस फाइल में अपने सीट पे काम करे। तो आपको क्या करना है कि जैसे वो फाइल ओपन होगा उस आपसे उस इनपुट बॉक्स के जरिए उससे नाम पूछिए, वो अपना नाम डालेगा तो उस नाम का सीट ही अनहाइड होगा, बाकी सारे सीट हाइड होके प्रोटेक्ट हो जाएंगे। समझ गए किरण जी? आप समझे? हाँ सर। करके मुझे भेजिए, अब एक करके मुझे आप भेजते हैं तो मैं आपको फाइल में एक्सपायरी डेट लगाना सिखा दूंगा। ओके सर। फाइल में एक्सपायरी सर डेट एक पूछना समझते हैं? था सर, मुझे एक पूछना था, हम एक वर्कबुक में कितने शीट्स क्रिएट कर सकते हैं? लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके बाय।